अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम रिएक्शन करने वाले हैं हारिस नेटवर्क के एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो पर। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर किताब की कहानी। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी है उस किताब की कि जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये किताब हमारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा डरावनी है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। यही वजह है कि सऊदी अरबिया जैसे कई मुस्लिम देशों में तो इस किताब पर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है। किताब का नाम है शम्सुल मारिफुल कुबरा कि जिसको अरबी जबान में 5वीं और 6वीं हिजरी के करीब में यानी कि 800 से लगभग 800-900 साल पहले एक राइटर के जिनका नाम अहमद अलबुनी था उनकी तरफ से लिखा गया था। लगभग 800 से 900 साल पुरानी इस किताब के बारे में दोस्तों सबसे खास बात यही है कि ये इतिहास में हमेशा से ही हमारी पूरी दुनिया में काफी कंट्रोवर्शियल रही है। किताब की तरह ही बिल्कुल किताब के राइटर यानी कि अहमद अलबुनी को लेकर भी लोग हमेशा से ही दो ग्रुप में बटे हुए नजर आए हैं। जहां एक तरफ कुछ लोग न सिर्फ इस किताब को पढ़ने से ही मना करते हैं बल्कि इसके राइटर के ऊपर भी कुफ्र का फतवा लगाते हैं ये कहते हुए कि ये इंसान जादू टोनों वगैरह वाली चीजों में पढ़ चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अहमद अलबुनी को एक नेक सूफी बुजुर्ग करार देते हैं और इस किताब को भी जादू टोनों की बजाय अवामिल यानी कि वजीफों का खजाना करार देते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर ऐसे जादुई अमल और ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जिनसे आसानी के साथ जिन्नात वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर इसकी असली हकीकत को वही लोग जानते हैं कि जो या तो रूहानी उलूम से अच्छी तरह से वाकिफ हैं या फिर अरबिक के साथ साथ इब्रानी समेत ऐसी सारी जबानों से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जो यहूदी धर्म यानी के ज्यूश के अंडर में आती हैं। इस किताब के बारे में ये भी माना जाता है कि इतिहास में जो कोई भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता था या पूरी तरीके से समझने की कोशिश करता था वो या तो पागल हो जाता था या फिर उसके ऊपर जिन वगैरह हावी हो जाते थे। कहा जाता है कि ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि जिन्नात खुद इस किताब की हिफाजत किया करते थे और हिफाजत करने के पीछे भी मेन वजह इस किताब में मौजूद वो मटेरियल है कि जिसकी वजह से आसानी के साथ जिन्नात वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है। इस किताब में खुदा के नामों की सिफात, बहुत सारी सूरतों की सिफात के अलावा जिन्नातों को कंट्रोल करने या फिर उनसे छुटकारा हासिल करने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। मगर खास बात यह है कि इस किताब के अंदर इन्हीं सूरतों के बीच बीच में इब्रानी या फिर किसी और दूसरी जबान में कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है जो बिल्कुल समझ से परे हैं, और यही वो सारी चीजें हैं कि जिनकी वजह से इस किताब को पढ़ने से तो मना किया ही जाता था बल्कि कुछ लोगों ने तो इसके ऊपर कुफ्र के फतवे तक लगा डाले थे। दोस्तों हिस्टोरिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि ये किताब 6वीं सदी हिजरी के आखिर में मोहम्मद बिन अली बिन जाहिद नाम के एक ताजिर के पास हुआ करती थी जो न सिर्फ उस दौर का काफी अमीर इंसान हुआ करता था बल्कि उसने ये किताब भी हद से ज्यादा मोटी रकम खर्च करके ही हासिल की थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौर में इस किताब की ये इकलौती कॉपी थी जो मोहम्मद बिन अली ने ही हासिल की थी, मगर फिर बाद में इसमें बहुत सारा फेरबदल करके और इसमें कुछ बदलाव करके इसकी कई कॉपीज बनाई गईं जिनको इधर उधर बांट दिया गया था। उस ताजिर ने इस अजीबोगरीब किताब के बारे में जो बयान दिया था, जो मालूमात दी थी, वो आज भी हम लोगों के पास मौजूद है, जो वक्त वक्त पर ट्रांसफर होते होते हम लोगों तक पहुंची है। इस ताजिर का इस किताब के बारे में कहना था कि जब भी मैं इसको खोलकर पढ़ने की कोशिश किया करता था तो अचानक से एक भयानक काली चीज मुझको नजर आती थी कि जिसको देखकर ही मैं फौरन बेहोश हो जाता था। कई बार की कोशिशों के बावजूद जब ये ताजिर कामयाब न हो सका था तो आखिर में इसने ये किताब एक आलमे दीन के हवाले कर दी थी। इस किताब के बारे में कुछ ऐसी अजीबोगरीब रिवायात भी मिलती हैं जिनसे ही ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस किताब की हिफाजत शायद खुद शयातीन और जिन्नात किया करते थे, क्योंकि इस किताब के अंदर मौजूद कुछ जादुई नुस्खों के इस्तेमाल से वो लोग इंसानों की गुलामी में नहीं आना चाहते थे। अब क्योंकि ये किताब जादुई अमलियात का एक खजाना थी तो ये लोग खुद इस किताब को ही नुकसान पहुंचाने पर कादिर नहीं थे, मगर फिर कुछ अजीबोगरीब वाकयात के बाद न जाने कैसे अचानक से ये किताब लोगों के सामने से गायब हो गई। 7वीं सदी हिजरी में ये किताब एक बार फिर से सामने तो आई मगर तब तक काफी कुछ इस किताब में बदला जा चुका था,
लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इस किताब के अंदर ऐसे बहुत सारे जादुई अमलियात वज़ाइफ वगैरह मौजूद हैं कि जिनको अगर कोई ऐसा आम इंसान पढ़ ले जो अमलियात वगैरह की या इन सारी चीज़ों की ज़र्रा बराबर भी सूझबूझ ना रखता हो तो वो अपने आप को भयंकर मुसीबत में डाल सकता है। इस किताब के बारे में अभी तक ये बात भी पता नहीं लगाई जा सकी है कि आखिर इस किताब का वो कौन सा हिस्सा है या वो कौन से खास बोल हैं कि जिनकी वजह से इंसान मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, यानी जिन जिन ने भी मुश्किलों का सामना किया है, तो बाद में वो लोग ये चीज़ ही भूल चुके थे कि आखिर जब उन्होंने किसी बड़ी मुश्किल का सामना किया तो वो इस किताब के कौन से बोल पढ़ रहे थे या फिर कौन से हिस्से पढ़ थे। और तो और, यमन के पिछली सदी के एक मशहूर रूहानी आलिम के जिनका नाम अली बिन इब्राहिम था, उन्होंने तो इस किताब पर बड़ी ही गहरी रिसर्च कर डाली। अब क्योंकि वो न सिर्फ रूहानी उलूम से ही वाकिफ थे बल्कि अरबिक, इब्रानी और इस तरह की कई ज़बानों के एक्सपर्ट भी थे, लिहाजा उन्होंने लंबी रिसर्च करने के बाद ये नतीजा निकाला कि जिस किसी ने भी इस किताब को लिखा है, यानी जो इस किताब का राइटर था, वो यहूदियों का शिकार था। और ऐसा कहते हुए उन्होंने दलील यानी कि एविडेंस भी दिया और उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि कुरान के अंदर जो सूरह जिन मौजूद है वो ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3 पेजेस पर ही मौजूद होती है, मगर इस किताब के अंदर जानबूझकर ये सूरह 13 पेजेस तक इसलिए पहुंच गई क्योंकि इसके राइटर ने बिला वजह इस सूरह को लिखते हुए बीच बीच में इब्रानी जबान के अंदर बहुत सारे शैतानी और जादुई बोल लिखे हैं। इन्होंने आगे ये भी कहा कि इस किताब के राइटर ने कुरान की आयतों के बीच बीच में बार बार काले जादू से जुड़ी हुई उन सारी चीज़ों को लिखा है कि जो कभी बाबुली दौर में पाई जाती थी और जिनका इस्तेमाल शैतान जिन्नात वगैरह को काबू करने के लिए किया जाता था। इस किताब के बारे में ये भी माना जाता है कि अभी तक इस किताब को सिर्फ एक ही बार कंप्लीट पढ़ा जा सका है और जिसने इसको पढ़ा था उस इंसान का ताल्लुक भी यमन के एक पुराने इलाके अदन से था। रिवायतों में इसका नाम बताया जाता है अलसाई और कहा जाता है कि ये किसी तरह से जिन्नातों को चकमा देकर इस पूरी किताब को पढ़ने में कामयाब हो गया था, मगर अपने अमल वगैरह के जरिए से जब ये उनको कंट्रोल करने के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर था तो एक अमल के दौरान ही कब्रिस्तान से गुजरते हुए ये कब्र में गिर पड़ा था। बस वही आखिरी मौका था कि जब जिन्नात इसके ऊपर हमला आवर हो गए थे। इस हादसे के बाद ये इंसान दिमागी तौर पर अपनी सुध-बुध खो बैठा था और अगले 10 साल इसने एक पागल और मजनू की तरह जिंदगी गुजारी थी। 10 साल के बाद इसकी याददाश्त तो वापस आ गई थी, मगर हाँ, इसने अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर यानी तोबा वगैरह करके अब एक अच्छे और नेक इंसान की तरह जिंदगी गुजारने का फैसला किया था। याद रहे दोस्तों, ये सारी बातें उस किताब के बारे में नहीं है कि जो आजकल हर बाजार में इस टाइटल के साथ हम लोगों को नजर आती है, बल्कि ये सारी बातें तो उस किताब के बारे में हैं कि जो 8 से सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी और आज के दौर में तो वो अब हमारी दुनिया से पूरी तरह से मादूम हो चुकी है और अब हम लोगों को लगातार इस किताब से जुड़ी हुई कहानियाँ, किस्से और रिवायात ही सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से भी जितने भी लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस किताब के बारे में या इस किताब के राइटर के बारे में पहले ही सुन और पढ़ रखा होगा, तो वो सारे लोग भी इसको लेकर 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे। कुछ लोगों के मुताबिक तो ये जादू की ही एक किताब होगी, जो जाहिर है इस्लाम में कुफ्र ही माना जाता है, तो इसीलिए इस किताब के राइटर भी उन लोगों के अकॉर्डिंग गलत ही होंगे। बाकी दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके मुताबिक ये किताब जादू वगैरह या इन तमाम चीजों से बिल्कुल उलट सिर्फ पाक और अच्छे वज़ाइफ का खजाना होगी और जिनके अकॉर्डिंग फिर इस किताब के राइटर भी कुछ और नहीं बल्कि एक नेक सूफी बुजुर्ग होंगे। तो अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मगर दलीलों यानी कि लॉजिकल रेफरेंसेस वगैरह के साथ, ताकि बाकी सारे लोगों को भी गहराई के साथ इस किताब के बारे में जानने को मिले और वो अपनी एक लॉजिकल राय बना सकें। फिलहाल दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।